हाँ तो गाइस, मैं यही बोल रहा था कि ये लॉन्ग वीकेंड है, मंडे भी बैंक हॉलीडे, छुट्टी है लोगों की, और हैलोवीन आ रहा है जो कि यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ अ बिग डील, काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है। लास्ट टाइम तो हम एक अच्छी सी, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ यार, क्या था वो, डबलिन क्या था? नाइट मेयर रेल। हाँ, नाइट मेयर रेल हम वहाँ गए थे। मैं उसकी भी एक दो फोटोज या वीडियो जो भी होगी यहाँ साइड में लगा दूंगा, आप देखना। बट हम लोग भी ऐसे भूत प्रेत सा बन के एकदम अपने दोस्तों के साथ गए थे चिल करने के लिए, और काफी अच्छा था। लेकिन हमें, मुझे याद है अच्छे से कि तब भी बहुत तेज बारिश हुई थी और हम मेकअप बचा बचा के जा रहे थे अपना, और बहुत ज्यादा ठंड भी हो गई थी वहां पे। बेसिकली यही था कि मतलब वो काफी अच्छा होता है अगर आप कभी भी गए नहीं हो तो, और बच्चों के लिए नहीं होता है वो, सिर्फ बड़ों के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे वो स्केरी रूम्स टाइप के बना देते हैं वो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग ही होते हैं जो अंदर भूत प्रेत बन के आपको डरा रहे जो होते स्कैरी हैं। रूम इंडिया में होते हैं ना, उसकी 10 टाइप बना देते हैं बट वेयरहाउस। अच्छा होता है अगर आप कभी नहीं गए हो तो। पीछे कितना प्यारा लग रहा है, हाँ, स्काई देख लो गाइस, पीछे कितना सुंदर सा आ रहा है। मेरी शक्ल डबलिन मैजिकल वेदर चेंज होता रहता है, हम दोनों भी सुंदर से लग रहे हैं, आई नो, थैंक्स यार। तो चमक तो चिराग रहा है। हाँ, कुछ ज्यादा ही चमक गया हूँ मैं गाइस, देखो पुष्पा झुकेगा नहीं साला। बस मोटा सा लग रहा है मेरा फेस थोड़ा सा, कोई ना, डाइटिंग करूंगा मैं, डाइटिंग, जिम विम जाऊंगा ना, थोड़ा सही हो जाऊंगा। कल जिम से हमारा नया जिम खुलने वाला है जहाँ मैं पहले जाता था, उसका नाम था गाइस साउथ साइड जिम सैंडीफोर्ड। अब हम जाएंगे फ्लाई फिट जिम सैंडीफोर्ड, जो कल से ओपन हो रहा है। तो या अगर हुआ तो दिखा देंगे वो भी, क्यों, महिमा तो, महिमा का तो बनना ही है फिटनेस मॉडल। मैंने प्रीवियस फिटनेस एक दो मॉडल। आयरलैंड वाले व्लॉग्स में बोला भी है इसका और दीक्षा का। ये दोनों रोज फ्राइज खाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि इनको जाना है भाई मॉडलिंग वॉडलिंग में। वैसे हमारा प्यारा सा स्टिल ऑर्गन विलेज है, शॉपिंग सेंटर है ये बेसिकली, यहाँ पे अच्छी अच्छी शॉप्स है। यहाँ पे एक टेस्को है जहाँ पे हमें सस्ता सामान मिल जाता है कई बार, बट ये दूर है हमारे घर से तो हम इतना ही मतलब फ्रीक्वेंटली आ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम डन्स ही जाते हैं। हम स्टिल ऑर्गन विलेज शॉपिंग सेंटर को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं इंडियन स्टोर में, देख लो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। कुछ अच्छी दुकानें हैं, कुछ खाली पड़ी रहती है, बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रहता हर बार। ये रहा स्टारबक्स, ये रहा वो टेस्को जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे सस्ते राइस मिल जाते हैं। पहले यही लेना है क्या हमें? हाँ, पहले इंडियन स्टोर चल लेते हैं। आर्ट फैक्ट्री बड़ा काम का है महिमा के बर्थडे के लिए, जो अभी थोड़े दिन पहले ही गया है। हमने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली थी, सस्ते बलून्स कार्ड्स वार्ड्स मिल जाते हैं यहाँ पे, बढ़िया है इनका सिस्टम भी। ये देख लो गाइस, हैलोवीन वाइब्स आ चुकी है यहाँ पे, भूत भूत से लगा रखे हैं इन्होंने। वो देख लो ये वाली दुकान का सिस्टम, यहाँ पे भी सब कुछ है, फन प्लेस डॉट आई। ये तो क्या हैलोवीन की दुकान बना रखी है भाई इन्होंने सारी, ऐसे तो हैलोवीन के स्टोर में घुसे हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या सारा कुछ इंतज़ाम है इनके पास, ये बच्चों बच्चों के लिए क्या है ये, गूगली आई बैट बन जाओ भाई, जिसको जो बनना है उस हिसाब से इनके पास सारा कुछ है, पूरा शोरूम ही खोल दिया भाई इन्होंने। ये देख लो हमारा छोटा सा बच्चा, ये भी ढूंढ रहा है कुछ, तो क्या बनना है भाई तेरे को, देख ले कुछ इंटरेस्टिंग सा मिले तो मुझे भी बता। ये ले ले तू पुलिस वाला सिस्टम, ये ले लेता हूँ भाई मैं तो, ये बढ़िया लग रहा है मुझे तो, माइकल माइल्स। यहाँ पे रिंग्स हैं, ये स्पाइडर, ये क्या है भाई, ये क्या है स्पाइडर वेब, ओ स्पाइडर वेब, अच्छा ये जो पूरा खुल जाता है जो घर के बाहर लगता है बड़ा सा, ये लड़कियों वड़कियों का इंतज़ाम है भाई। ये देख लो ये वो बिच वाला है ना, ये ऐसा होगा, ये किसी ने तो लिया था लास्ट टाइम, हमारे किसी फ्रेंड ने लिया था, लगाइए, लगा के दिखा मेमा, देखे कैसी लगती है। हाँ वाइब तो आ रही है। इसमें लाइटें वाइटें भी जलती है क्या महिमा, लाइट ऑन कर दे इसकी। ये बढ़िया लग रहा है ना गैस वाला। चश्मे के ऊपर ही लगाना पड़ेगा वरना मेरे को कुछ दिखेगा नहीं, अंधा हूँ भाई।
ये देखो गाइस, ये कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाया मुझे। क्या है महिमा? ये मकड़ी वकड़ी वाला, और ये मास्क गोस्ट फेस। ये बारबी और कैन वाला भी है। इसकी प्राइस कितनी है, कितने का? ये 80 यूरो का है गाइस। ये देख लो, 8972, 7200 रुपये का ये बारबी वाला। तो इधर ये मास्क हैं, ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी। ये देखो भाई, बट ये प्लास्टिक का है, थोड़ा तो रियलिस्टिक बनाते। हम एक डेजर्ट शॉप पे रुके हैं, इनके पास भी देखो, इन्होंने भी हैलोवीन का डेकोरेशन किया हुआ है। और इन्होंने ये क्या मैम, डोनट्स है ना, ये कप केक्स और डोनट्स भी इन्होंने ऐसे डिज़ाइन वाले से बना रखे हैं। हम एक क्यूटू सा मास्क लेके इंडियन स्टोर की तरफ जा रहे हैं, जो कि है 1 मिनट की वॉक पर। ऑलमोस्ट देयर। वो रहा एशियन सुपर स्टोर, लिखा है क्या लिखा है, सुपर मार्केट इंग्रेडिएंट्स नाम है उसका। ये हमारी फेवरेट ग्रीन चिलीज, जिसके लिए हमें इतनी दूर आना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना खाने में बिल्कुल भी मज़े नहीं आते। और यहाँ पे थोड़ी सी स्वीट्स भी है, जो कि बहुत ही एवरेज टेस्ट होता है जिसका। राइस यहाँ पे आप देख ही सकते हो, कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं, 17 यूरो फॉर 5 किलोज, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 3.5 के आसपास का 1 किलो, जो कि बहुत महंगा है। एग्जैक्टली, लाइक अगर आप टेस्को में जाओ या ऑल्टी में जाओ तो यू कैन गेट इट फॉर 1 यूरो, तो मतलब इंडियन स्टोर में इट्स लाइक 3 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव कहीं और से। हमने सोचा था कि हम यहाँ से लें, बट टू एक्सपेंसिव। और इनके पास पपाया भी है, जो यूजुअली आयरलैंड में ऐसे मिलता नहीं है ईजिली कहीं पर भी। यार वो वाली नहीं है क्या अपनी? ये मिल गई भाई, हमारे भाई की फेवरेट नमकीन। ले ला पराठे का, पता नहीं समोसा ज़रूर ले रहा हूँ। ये वाला ले लूँ ना, कॉकटेल वाला, बड़े वाले यार इनके पास। पक्का कौन सा है? पंजाबी ट्राई करना है। ये भी है, वरना अपने हल्दीराम्स वाले जो अपन, तूने किए नहीं क्या पहले? है कितने का ये? 599। चकली ले ले, बूंदी यार एक पैकेट ही ले लूँ या दो ले लूँ? रखा रहेगा, दो ले लेता। ये हमारी बड़ी फेवरेट है यार, हल्दीराम वाले कचौरी। जलेबी भी है, फ्रोजन जलेबी। देख खट्टा ढोकला, मंचूरियन बॉल्स भी आने लग गए यार। नॉर्मल वाला खमन ढोकला तो ले सकते हैं, खाने का मन है तो। देख वो दाल मखनी वगैरह पड़ी है, वड़ा फॉर दही बड़ा, ये वाला भी है। इसमें और उसमें क्या फर्क है? तो वो ज्यादा टेस्टी होंगे क्या? साबूदाना टिक्की ये भी टेस्टी होती है भाई। इसमें तो हजारों ऑप्शन है। सोन पापड़ी, मिल्क केक खाने का, मिल्क केक की प्राइस का लिखी। दाल मखनी, दम बिरयानी, मिल्क केक की प्राइस नहीं लिखी है भाई। ट्राई करते हैं, ले लूँ सन लड्डू, गुलाब जामुन, काजू कतली। ये क्या है? हबशी हलवा, चक्कल, पतीसा, रसगुल्ला, रस क्या उठा के लाई हो तुम? गाइस तुम्हारा भाई की फेवरेट चीज देख लो, पवा पवा मीडियम ले लिया है मैंने एक। अरे यहाँ पे ऑयल्स वॉइल्स हैं, क्या ढूंढ रही है मैंने ना, मस्टर्ड ऑयल ले ले एक बॉटल। पूरा बैग भी भर लिया हमने, और ये दंतू ट्रॉली भी भर लिया हमने, और बहुत सारा सामान लेने के बाद
67-70 समथिंग यूरो का बिल हुआ है हमारा। टाइम टू गो होम, जाएंगे कुछ बनाएंगे, चिल करेंगे थोड़ा सा। तो मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। ओके भाई ना, कूल क्या होता है। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट अमेजिंग सब ब्लॉग। और मेरे और भी वीडियोस देखो, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू, बाय बाय।